नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल क्या होता है? तो जब हम व्हीकल लेके निकलते हैं, तो जब हम व्हीकल को ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किया, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे व्हीकल स्टॉप नहीं हो जाता है। हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, देन व्हीकल विल बी स्टॉप्ड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। तो ब्रेक अप्लाई किया और उसके बाद व्हीकल स्टॉप हुआ, तो इस प्रोसेस में जो डिस्टेंस कवर किया व्हीकल ने, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी और डिसेलरेशन माइनस ए। जब एक्सेलरेशन बोलते हैं तब वेलोसिटी, हमें पता चलता है कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसे डिसेलरेशन भी हम बोलते हैं। माइनस ए दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी जीरो एंड ए। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स दैट इज डी एस। यूज द इक्वेशन वी स्क्वेयर इक्वल टू वी जीरो स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स। सो व्हेन व्हीकल इज स्टॉप्ड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, वो तो सीधी बात है राइट। अब एक्सेलरेशन तो वो नेगेटिव है, नाउ फाइनल वेलोसिटी जीरो दैट इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वेयर प्लस ए डी एस राइट। हियर टू ए डी एस एक्स इक्वल टू डी एस दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो यू कैन राइट डी एस दैट इज इक्वल टू माइनस वी जीरो स्क्वेयर बाय टू ए। अब जब आप ए यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ए दैट इज डिसेलरेशन, सो उसकी वैल्यू आपको नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल होके आपका डिस्टेंस कवर्ड दैट विल कम टू पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर।